इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने के का एक संकल्प का विशेष रूप से था, और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। जो आपने संविधान के खिलाफ जो बयान दिया, आपने कहा सेकुलर सेकुलर करना बंद करना चाहिए, जो आपने कहा कि म्यांमार की तरह भारत में भी मुसलमानों को निकाल देना चाहिए जैसे वहां से निकाला गया नेता हिंदू को हथियार उठा देना चाहिए, इन सब जो बयान आपने दिए उस पर आप कह रहे हैं कि आप अड़ी गए, आपने कुछ गलत नहीं किया। देखो, आपकी सोच में और मेरी सोच में अंतर है, और मेरी सोच साफ साफ है। आपने अभी संविधान पढ़ा नहीं, संविधान को फिर पढ़ लीजिए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं, एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द लेकर के, सेकुलर का शब्द लेकर के आपने हिंदुओं के साथ अत्याचार करना शुरू किया है। सेकुलर का क्या, आपने जो बयान दिया उस पर आप कायम है? बिल्कुल, मैं कायम हूँ, हमेशा कायम रहूंगा, और पहली बार नहीं दिया, मैंने बार बार दिया है। आपको लगता नहीं आप कानून को चुनौती? कानून को चुनौती नहीं दी, वो चुनौती आपकी दृष्टि में है। कानून को जो चुनौती जिहादी लोग दे रहे हैं, जो सरेआम हत्या कर मानते कि आपके बयान जिहादी लोग, आपको नहीं लगता है कि आपका ये बयान समाज में कानून व्यवस्था अशांति फैला सकते हैं, माहौल खराब हो सकता है और कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है? आपको लगता नहीं आपके बयान भड़काऊ है? बिल्कुल नहीं है भड़काऊ, बिल्कुल है, बिल्कुल भड़काऊ नहीं है। ये आपको लगता है, मैं अपनी सुरक्षा मांग रहा हूँ, और अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई मारने आएगा या मारने के लिए तैयार खड़ा है तो मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले मैं सामने वालों को मारने का प्रयास करूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। आपको कानून का भय नहीं है? कानून का भय, ये कानून लगता नहीं क्या, अगर कल आप पर हमला हो गया तो कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा? कहाँ कर रहा है कानून? कानून तो भारत में काम कर रहा है, ठीक से बिल्कुल कर रहा है। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन नहीं है, आपको मुख्यमंत्री धामी जी पे यकीन नहीं है, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पे हमला में पूछा भी नहीं कि महाराज आप पर क्यों आतंकवादी हमला कर रहे हैं, आप पर क्यों धमकी दे रहे हैं, आप भी पहली बार पूछने आए हो एनडीटीवी वाले, तो नहीं पूछा। तो अगर कानून है तो कानून सबके लिए कानून है या किसी विशेष संप्रदाय के लिए? तो स्वामी जी को लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कुछ गलत बयान नहीं दिया, उनको लगता है कि देश के हर मुसलमान को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अगर नहीं जाते तो जैसे म्यांमार में एथनिक क्लिंजिंग की गई वैसे यहाँ भारत में भी करने चाहिए, सबको हिंदुओं को हथियार उठा लेना चाहिए, और ये अपने बयान पर अडिग हैं और कह रहे हैं जो मैंने कहा उसके साथ खड़ा हूँ, और ये देश हिंदुओं का राष्ट्र है, ऐसा स्वामी जी का कहना, और अपने बयान पर वो लगातार कायम है। दिस धर्म संसद वॉज ऑर्गेनाइज इन हरिद्वार ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 17th of December टू 19th of December where these hate speeches were given, which are now viral on social media platforms. One of the organizer of this whole Dharm Sansad is Swami Prabodhanand. He has given hate speech challenging the Indian constitution, challenging the Indian law, but there is no action from the police against the people who have given this hate speech. Swami Prabodhanand, I have spoken to him today. He is saying that he is not ashamed of the hate speech he has given. He is standing by the every word of it. In fact, he said that a particular community should be thrown out of this country. The Constitution of India is wrong. But the question is, why there is no action against the people who have given hate speech? Why there is no action? No FIR, no probe against Swami Prabodhanand. We have a picture of Swami Prabodhanand where the current CM of Uttarakhand, Mr. Pushkar Dhami, is touching feet of Swami Prabodhanand. Is it because of his close connection with CM Uttarakhand, there is no action against Prabodhanand? Because most of the people who have given hate speech, they have connection, political connection, with the current regime in Uttarakhand and Uttar Pradesh. We have a picture of Prabodhanand with the CM of Uttar Pradesh, Yogi Adinath, as well. In one picture, he's sitting with the current Home Minister of the country, Mr. Amit Shah.
That is why there is no action against these people who are disturbing the harmony of society. Elections are round the corner in Uttarakhand and Uttar Pradesh. These hate speeches can create disturbance. But still, no probe. We had a word with the SP city of Haridwar, Mr. Swatantra Kumar Singh. He's saying that they are monitoring the situation. Every state in India have cyber division where they monitor social media. They're saying we are just monitoring the situation. He said that we have not received any complaint against the people who have given hate speech. I've asked him that can't you take suo moto cognizance? He said that we are just monitoring the situation. So no action. Is it because these people who have given hate speeches have close political connections? In Haridwar with camera person Ashok Mahale, Saurabh Shukla for NDTV.